मैं एचआर में हूँ, आईटी कंपनी में। हाँ, कहाँ है आईटी कंपनी, कौन से इलाके में? मुंबई, अंधेरी, मुंबई में अंधेरी। वो एसईजी जो है मरोल वाला, नो सर, पवई। पवई में आईटी कंपनी कौन सी? ये आईटी एलएनटी की कोई है क्या? सर उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। है टेक महिंद्रा के रिजल्ट आ जाने हैं, लेकिन वो मुंबई पोई की नहीं है। वहां पे तो वो दोनों हैं, लार्सन टूब्रो इन्फोटेक और लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन दोनों में से तो नहीं है? नहीं सर। चलो थोड़ी देर बाद मैं और गैस करूँ। लिस्टेड है क्या? यस शर्मिला कोई आइडिया है क्या? पवई में कौन सी आईटी कंपनी है? आई डोंट नो। और एलटीआई और एलटीआई ए मंडी के तो मैस्टेक तो नतीजे नहीं आ है? चुके। नहीं पर वो सर, पवई नहीं है, वो तो मरोल में है। नो इट्स नॉट, अरे यार नॉट आप फ्रॉम जाते पवई। थे हिंट, आप बता के जाना, अभी नहीं बताना, मैं सोचता रहूंगा। मधु मैम, अच्छा आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। ये मैंने 58 पे लिया, इसके मेरे पास 20,000 शेयर हैं और ये मैंने लास्ट मंथ खरीदा है। तो रतन इंडिया इसके लिए एंटरप्राइजेस, वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, बिकॉज 1 साल में इसमें काफी प्राइस मतलब बढ़ गया है। तो कितना वेट करना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए? डॉक्टर साहब गलत दिखा रहे हो यार, ये 6 रुपए कहां से हो गया? 51 रुपए पे है ना ये मधु मैम? अभी 51 पे। यस ए डॉक्टर साहब ठीक करो यार, कुछ एरर आ रहा है। वो 51 रतन पे, 58 का लिया हुआ, क्वांटिटी तगड़ी है। मधु मैम हमने क्यों लिया था रतन इंडिया? फंडामेंटल्स थे फंडामेंटल्स या टेक्निकल चार्ट प्ले थे, क्यों लिया था? देख के लिया था क्योंकि 1 साल में काफी इस कंपनी ने प्रोग्रेस की है। हाँ अभी अमेज़न में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में भी है, तो इस वजह से ये सब देख के लिया था। तो 1 साल में काफी बढ़ चुका है, तो आई एम लिटिल स्केर्ड कि अभी और बढ़ेगा या फिर क्योंकि ये 1 हफ्ते से तो नीचे ही जा रहा है। हाँ तो ये अभी आपकी 58 की खरीद हाल फिलहाल की तेजी में हुई है क्या? जी, इतनी मैंने जल्दी पहले 35 फंडामेंटल्स पे लिया आपने था। सवाल उठा दिया? अभी तो कुछ ही दिन हुए रखे हुए, तो मतलब कुछ नहीं, गड़बड़ है। मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, हाँ प्रॉफिट पे बेच दिया, उसके बाद दोबारा लिया है अभी लास्ट मंथ। भाई शर्मिला, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कैसी है? यस, तो यू नो इट्स गुड टू नो कि उन्होंने लिया, थोड़ा प्रॉफिट में बेचा और फिर नए से लिया है, क्योंकि ये आपका बाइंग प्राइस थोड़ा मेरे हिसाब से ऊपर का बाइंग प्राइस है लुकिंग एट वैल्यूएशन। और लेकिन एक ही चीज है कि ये स्टॉक जो है वो पूरा मार्केट ही करेक्ट हुआ है, तो इस तरह के स्टॉक्स तो करेक्ट होने ही है जहां पर ज्यादा पैसा बनता हो, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ज्यादा ही है। और तो जाहिर सी बात है कि आई थिंक यू नो ये दिस करेक्शन इज इन लाइन विथ व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। तो मेरे हिसाब से आप 58 के लिए जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही एक राय होगी कि आपको इस तरह की री एंट्री अगर आपको भी लेनी हो ना, तो ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ एवरेज इट डाउन। और एकदम ही बढ़ रहा है स्टॉक तो आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हो, दैट इज इनफैक्ट द बेस्ट। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप यू नो स्पेशली सिंस यू मूव्ड आउट ऑफ द स्टॉक विथ प्रॉफिट, तो जब आप खरीद करें ना तो थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें। यार मेरे तो दिमाग में आईटी कंपनी, ये विप्रो का बैकएंड है क्या वहां पे? विप्रो के नतीजे आ गए, लो विप्रो के नतीजे आगे सही कह उन्होंने एक रही आपको बड़ा हिंट दिया है कि नतीजे आ जाने वाले आज, हैं। आ जाने वाले यस, ही हैज गिवन यू अ बिग हिंट। ये आज तो टेक महिंद्रा के हैं।